बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान में जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा है, महुआ और सिकराय में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे जेपी नड्डा जनसभा को, महुआ के सांधा में करेंगे संबोधन और सिकराय के कड़ी की कोठी पर वो संबोधित करते हुए जनसभा को नजर आएंगे। सीपी जोशी और किरोड़ी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। महुआ में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र मीणा का वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं सिकराय में बीजेपी प्रत्याशी विक्रम बंसीवाल के समर्थन में उनके जनसभा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दौसा से बड़ी खबर है जहां पर जेपी नड्डा जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा है जिसको लेकर के तैयारियां जो है वो अंतिम रूप पे पहुंच चुकी है। महुआ और सिकराय में जो है इनकी जनसभा होगी और इस दौरान वो सीपी जोशी और किरोड़ी लाल मीणा पर भी मौजूद रहेंगे। तो राजस्थान में जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा है और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि महुआ और सिकराय में जेपी नड्डा जनसभा करेंगे और उनके साथ जो है वो बीजेपी के दिग्गज नेता सीपी जोशी और किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र का वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह की चुनावी रैली आज है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज से प्रदेश दौरे पर हैं। टोंक और अजमेर के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। अटल गार्डन में 10:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे और विजय बैंसला के समर्थन में वो रैली करते हुए नजर आएंगे। 12 बजे के आसपास राजसमंद के लिए वो रवाना हो जाएंगे। आज देवली, चारभुजा और देवगढ़ में वो जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे के आसपास में चारभुजा और देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और कल हिंडौली, विजयनगर और नसीराबाद में जनसभा करेंगे। कल शाम को अजमेर में वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। एक हमने नया प्रयोग किया था इस संकल्प पत्र को तैयार करने में, जिस प्रोग्राम का हमने नाम दिया था आउटरीच प्रोग्राम, पब्लिक पार्टिसिपेशन। हमने आकांक्षा पेटी रखी, रथ रखे, जनता से सुझाव लिए, जो यंगर जनरेशन है उनको उन्होंने ईमेल के जरिए सुझाव भेजे, वेबसाइट, व्हाट्सएप, सब तरह का हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके करीब करीब हम 1 करोड़ नागरिकों के पास इसमें पहुंचे। उन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र तैयार हुआ, उसका भावना यह है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। सर, बीजेपी को लेकर क्या कुछ आश्वस्त है इन विधानसभा चुनाव में? 100% बीजेपी आ रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने कहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापस आ रही है। तमाम यहां पर नेताओं का जो दौरा आप देख सकते हो, एक के बाद में एक ताबड़तोड़। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में हुंकार भरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बता चुके कि आज प्रदेश दौरा है उनका, कोटा, बूंदी और अजमेर के दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो रहने वाले हैं। आदित्यनाथ सुबह 11 बजे के आसपास कोटा ग्रामीण इलाके में जनसभा करेंगे और दोपहर 12 बजे बूंदी में सभा करते हुए नजर आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा का समर्थन करेंगे वो और कार्यकर्ताओं से उनके समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे कि वो जा करके लोगों से चर्चा करें और कहें कि वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करें। दोपहर 2:05 पर केकड़ी में जनसभा करेंगे, 3:35 पर पुष्कर और 4:45 पर किशनगढ़ में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। चुनावी माहौल में वो अपनी बात रखेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। आज जयपुर आएंगी स्मृति ईरानी, सिविल लाइन्स में जनसभा को संबोधित करेंगी। महिला सम्मेलन की भी वो इस दौरान चर्चा करती हुई नजर आएंगी और अपने संबोधन में भी इसको शामिल करेंगे। तो सिविल लाइन्स में स्मृति ईरानी जो है जनसभा करेंगी। बताया जा रहा है कि आज जयपुर पहुंचेंगी और इसी दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और तो दूसरी तरफ आज जयपुर नितिन गडकरी भी आएंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगा सम्मेलन। बस्सी विधानसभा में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। शाम को
विद्याधर नगर में रोड शो भी करेंगे। तो नितिन गडकरी जयपुर पहुंचेंगे और इस दौरान ताबड़तोड़ उनका चुनाव प्रचार जो है बीजेपी प्रत्याशियों के लिए शुरू हो जाएगा, संबोधित करेंगे लोगों को। जेपी नड्डा पहुंचेंगे, कई दिग्गज नेता बीजेपी के पहुंचने वाले हैं और इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी भी आज जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर पहुंचते ही उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम नितिन गडकरी करते हुए नजर आएंगे। बस्सी में विजय संकल्प सभा को भी वो संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि शाम को विद्याधर नगर में वो रोड शो करेंगे और इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो जन सैलाब है उनके रोड शो में शिरकत करेगा। चुनाव प्रचार में दिग्गज जो है जुटे हुए हैं, आज गजेंद्र सिंह शेखावत हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। शेखावत 3 सभाओं को संबोधित करेंगे, थानागाजी, बांसूर और किशनगढ़ बास में वो जनसभा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं, लगातार चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं ताकि अपने प्रत्याशियों को किसी तरीके से जिताने की कोशिश जो है वो लगातार जारी रहे और लोगों से वो संवाद भी कर सके कि उनके पक्ष में, उनके प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालें। और इसी सिलसिले में किशनगढ़ बास में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो हुंकार भरते हुए नजर आए।